आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। आज हम आपको अंकगणित का पहला चैप्टर बता रहे हैं जो है संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम। इसे पहला चैप्टर क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, अंकगणित में सारा जो खेल है वो अंकों का है। अगर कहा जाए तो ये अंकों का ही एक जो है साइंस है, यानी अंकों की ही एक ये विज्ञान है। ठीक है, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये बताते हैं, वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे संख्या पद्धति है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम आपको वो बताएंगे, और बताएंगे कि इसमें किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और जो इन प्रश्न को आप एक कॉन्सेप्ट विधि से, मतलब एक सामान्य विधि से आप कैसे हल कर सकते हो, और एक है ट्रिकी विधि। ट्रिकी विधि का प्रयोग परीक्षा में कर किया जाता है। रीजन है कि हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो ऐसे में हम जिस सवाल को हल करने में 5 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट लगा सकते हैं, वो 1 या 2 मिनट के अंदर ही उस सवाल को हम ट्रिक से हल कर देते हैं। तो हम आपको दोनों विधियाँ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप देखें, हम इसको समझते हैं कि इसमें संख्याओं का जो गुण है, जो उनका धर्म है, जो उनका क्लासिफिकेशन है, उसको हम यहाँ पर इतिहास से इस चैप्टर के अंतर्गत हम परिचित होते हैं कि क्या है वो। हम इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो हमारा संख्या पद्धति है, ये नंबर सिस्टम है, ये किसको फॉलो करता है, ये कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, हम उसको यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। देखिए, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो दशमिक पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम। हालांकि मैं आपको बता दूं, और भी हमारे पद्धतियां हैं, हेक्सा है, कई पद्धतियां हैं, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है विशेष, इसलिए हम उनकी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। हम आपको वो बताएंगे जो आपके सिलेबस, आपके चैप्टर में है, आपको ज़रूरी है। तो अब ये दशमिक सिस्टम है क्या? देखिए, जो 0 से लेकर के 9 तक यानी जो अंक हैं, ठीक है, उनको दशमिक, चूंकि ये 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं, इससे हम जो इनको यूज करते हैं वो दशमिक पद्धति है। ठीक है, इसे जो है हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, इनमें जो है लिखने के लिए हम 0 से लेकर के 9 अंकों का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम कि इनके व्यवहार को समझने के लिए, हम समझते हैं, हमने 0 से 9 तक को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इनके जो अंक हैं इनके मान क्या होते हैं। जब इनको हम कुछ मिला के लिखते हैं, सपोज करिए हमने 976 लिखा, तो इनके जो है मान क्या है? तो अंकों के पहला है आपका वास्तविक मान। ठीक, इसका मान स्थिर होता है, हम आपको बताते हैं डिटेल में। इनका जो वैल्यू है वो स्थिर है, इनका मान स्थिर है। और जैसे संख्या, देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 5675, ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये देखिए आप, ये 5675 लिखा, इसमें ये जो पहले 5 है ये वाला, ठीक है, और ये 5, इन दोनों का स्थानों में इसका वास्तविक मान, अगर आपको एक पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी आप 5 बताओगे और इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी आप 5 ही बताओगे, ये 5 लिखा है, 5 ही है। अब आपको बताते हैं हम कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थान के हिसाब से ये मान होता है, स्थानिक मान। अगर हम आपको बताते हैं कैसे, जैसे संख्या यही हमने लिया 5675 में, ठीक है, 5 का स्थानीय मान 5000, सॉरी ये यहाँ पर एक गलती लिख गया है, ये 15 नहीं बल्कि 5 है। 5675 में 5 का स्थानीय मान 5000 है, यानी इस वाले पाँच का जो स्थानीय मान है वो 5000 है, और ये जो लास्ट वाला 5 है आपका, इसका स्थानीय मान 5 ही है। मतलब आप ऐसे इसको समझिएगा कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, यानी ये 1000वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो इसका मान हमारा 5000 हो गए। अगर हम पूछते कि 6 का मान कितना है, अगर हम ये पूछ लें कि 6 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 6 की वैल्यू, अब देखिए
इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े में बैठा है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर 600 होगी। अगर हम सात की वैल्यू देखें तो सात का जो स्थानीय मान होगा वो 70 होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं संख्या के प्रकार पर कि संख्याओं का प्रकार क्या क्या है। ये जो हमारी संख्याएं हैं ये विभिन्न तरह की होती हैं और इनका हम प्रकार समझते हैं। तो इनका जो पहला प्रकार है आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या, ये आप सभी लोगों ने सुना होगा इसे, ये परिमेय संख्या, ठीक है, रोटेशनल नंबर है। और अक्सर इससे कुछ सवाल आते हैं जो हमसे गलती हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्या है परिमेय संख्या। देखिए, पी आब्लिक क्यू के रूप में लिखी जाने वाली परिमेय संख्याएं होती हैं जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो तथा क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू को जो है जीरो नहीं होना चाहिए। यानी हम किसी संख्या को पी क्यू में, जैसे अब देखिए ये 3/1 है हमने लिखा है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 3/1 का जो वैल्यू है वो 3 ही आएगी, क्योंकि नीचे है, 1 का भाग देंगे तो 3 ही जाएगा। ये 7/2 ये पी क्यू के रूप में है, यानी पी बटे क्यू के रूप में। देखिए, हम जब कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने 4 ले लिया, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि 4 हमने लिया, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये क्या होता है, हमारे पी क्यू रूप में आ जाता है। इसको समझिएगा, फिर आपको हम बताएंगे अपरिमेय संख्या, तो आप समझ जाएंगे भेद क्या है। लेकिन इसने कहा है कि मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान, यानी ये क्यू है आपका। देखिए, ये आपका हुआ पी, ठीक है, ये आपका पी हुआ और ये आपका हुआ क्यू, ये देखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि पी क्यू रूप में लिखी जा सके, लेकिन जो है इनका जो नीचे की संख्या है क्यू, इसका मान जीरो नहीं हो सकता, अर्थात इसको हम 4 और ये आब्लिक यानी बटा 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हो जाएगा बराबर। भी पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। आपके जो पूर्णांक हैं और भिन्न हैं जो, उनको अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लें, ठीक है, तो ये जो है परिमेयों का समुच्चय बन जाएगा, यानी उनका एक सेट बन जाएगा। तो आपका नेक्स्ट है कि अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर। जो संख्या पी के रूप, पी आब्लिक क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अर्थात जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां पी क्यू धन पूर्णांक हो, ठीक है, और क्यू 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो जैसे √2, √5, √8 और पाई, ठीक है। अभी हम पाई के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि सवाल अक्सर इसी को पूछ लेता है कि पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। तो आपने देखा यहाँ ये अपरिमेय है, पर यहाँ पर आपको हम बता दें पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है, ये 22/7 होती है पाई की वैल्यू। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये 22/7 अगर लिख के आ जाए तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये पी और आब्लिक क्यू का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो पाई पूछेगा तो अपरिमेय, और अगर जो है आपसे पूछेगा कि 22/7 22/7 ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि ये जो है आपका परिमेय आ जाए, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि जैसे इसको समझिए, परिमेय संख्याएं नॉन रिकरिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, अर्थात दशमलव के रूप में बदलने पर ना तो ये रिकरिंग के रूप में आती हैं
और ना ही कोई इनका निश्चित अंत होता है। ठीक है, कुछ भी अंत तक चली जाएंगे, एक दो करते करते इन्फिनिट तक पहुंच जाएंगे, कोई उनका लिमिट नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझें कि पाई को इसमें फोकस करना है आपको। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको रियल नंबर्स। देखिए, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी रियल नंबर आपका क्या होगा, रियल नंबर आपका होगा जैसे 3, 0, 2/3, 1/3, 1/9, √3, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये सब वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं। जिन संख्याओं की गणना एक से लेकर अंत तक होती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें एन से प्रकट करते हैं, चूँकि नेचुरल नंबर है तो एन से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए ना, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के इनफिनाइट तक। ठीक है, ये सब जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन आगे आइए, फिर बताते हैं आपको इसकी विशेषता। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को अगर शामिल करने से लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है, यानी शून्य हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, और अगर इसमें हम शून्य मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, जैसे 0 से लेकर के 1, 2, 3, 5, 6 इन्फिनिट तक। ठीक है, क्लियर हो गया, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आते हैं हम पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक धन पूर्णांक और आपका एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें ऋण पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3, -4 से करके इन्फिनिट तक। ठीक है, और धन पूर्णांक 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिट तक के समूह को एक साथ पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य को अगर हम मिला देते हैं तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, ज्ञात रहेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बारे में कि जैसे इन्फिनाइट से शुरू करके एक तरह से 0 शुरू करके और इसे ले जाएं हम इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब जो है हम आपको बताते हैं धन पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी 0 को छोड़ दीजिए तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन्हें धन पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनाइट तक, अनंत तक। ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी है, ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। बस इतना करना है कि इसमें ऋण लगा देना है, माइनस पैर लगा देना है, -1, 2, 3, 4 और ये अंत तक जाएगा, ये ऋण पूर्णांक संख्याएं आपकी हैं, जैसे -1, -2, -3 से लेकर के इन्फिनाइट तक। ऋण पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या इन्फिनाइट है, माइनस इन्फिनाइट है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब माइनस अनंत है, जो प्राप्त नहीं की जा सकती, तथा सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो -1 होती है आपकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सम संख्याएं कौन सी होती हैं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब जो है 2 से जो चीज पूर्ण विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होंगी। ये 2 प्रकार की होती हैं, पहली है धन सम संख्या, पॉजिटिव इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर अनंत तक, क्योंकि ये 2 से डिवाइड भी होती हैं। और ऋण सम संख्याएं आपकी हैं -2, -4, -6, -8, -10 से लेकर के -इन्फिनाइट तक, ये आपकी ऋण सम संख्याएं हैं। अब आपकी देखिए इवन नंबर हो गया, अब आपकी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं आपकी। और ये भी 2 प्रकार की होती हैं, कौन, धन विषम संख्या, ठीक है, पॉजिटिव ऑड नंबर 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनाइट तक। ठीक है, याद रखें वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है, और आपकी ऋण विषम संख्याएं, अब बताते हैं आपको ऋण विषम संख्याएं आपकी जैसे -1 -2 -3 और -4, ठीक है, ये आपकी ऋण विषम संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट है आपका कि भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, वे धन संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। आप कैसे, जैसे 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं, ये प्राइम नंबर है, वे धन संख्याएं तथा एक के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। अब नेक्स्ट है संख्या एक केवल स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है, यह ना तो भाज्य संख्या है और ना भाज्य संख्या है, ये मैं आपको नोट बता दे रहा हूँ कि जो एक संख्या अगर उसको आता है प्रश्न में कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य है या दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, तो एक संख्या स्वयं विभाजित हो जाती है और ये ना तो भाज्य और ना भाज्य के श्रेणी में आती है, ठीक है। अब आती है क्रमागत संख्याएं, वो संख्याएं जो एक दूसरे के बाद एक निर्धारित क्रमानुसार आते हैं उन्हें क्रमागत संख्या कहते हैं, जो एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक क्रम को फॉलो करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्रम से आ रही हैं और 3, 6, 9, 12 ये गुणा के क्रम में आ रही हैं, ठीक है, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, ठीक है, ये क्रमागत संख्या है। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट था संख्याओं को, इसे आपको याद होना चाहिए, इसे आपको समझ होनी चाहिए, इसी के बल पे आप आगे की अंग्रेज पूरी पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो है आपको हम बता देते हैं कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, किस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 से 1 हो तो ठीक बीच की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, दूसरा 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, अब इसे 1 से 100 तक की प्राप्तिक संख्याओं का औसत निकालिए, देखिए कैलकुलेशन करने में बड़ा कठिन हो जाएगा, 1 से लेकर के 100 तक की प्राप्तिक संख्याओं का औसत निकालिए, ठीक कितना होता है, सबको जोड़ना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, लेकिन इस सब के पीछे ट्रिक होता है और ट्रिक से आप जब निकालेंगे तो ये 1 सेकंड 1 मिनट से भी कम समय में निकल आता है। 50 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 2 संख्याओं का योग 8 है तथा उनका अंतर 4 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। संख्या 33 बीच में गैप है, स्टार लगा है, 3, 11 से विभाजित हो तो स्टार में से कौन सी संख्या आएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 335 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इस तरह के देखिए सवाल बहुत आते हैं, एक खेत में कुछ आदमी और कुछ पाल पहल काम कर रहे हैं, यदि इनके सिरों की संख्या 45 है और पैरों की संख्या 150 है तो आदमी और बैलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये निकालने में आपको देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है पर ये 1 मिनट से भी कम समय में इसको बताऊंगा आपको, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या का योग 4 हो, ठीक है, और अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 कम हो तो संख्या बताओ, कैलकुलेशन करने में देखने में बहुत बड़ा लगता है, घुमावदार लगता है पर ये बिल्कुल से भी बड़ा नहीं है, बस एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा मैं जो बताऊंगा, ये बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न 1 मिनट के अंदर सब सवाल हल हो जाने वाले हैं, कोई बड़ा सवाल इसमें नहीं है। नेक्स्ट है किसी संख्या के 40% में से 15 घटाने पर 25 प्राप्त होता है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, अब देखने में जिन्हें मैथ नहीं आती है या उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये सवाल कठिन दिखते हैं पर एक्चुअल में ये सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है, ये 1 मिनट के अंदर की जितने सवाल मैंने अभी आपको बताया ये सब 1 मिनट के अंदर निकल आने वाले सवाल हैं, यहाँ थोड़ा सा परंपरागत से निकालेंगे तो समय लग जाएगा लेकिन ट्रिक से ये सभी बिल्कुल एग्जैक्ट निकल आएंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ज़्यादा वीडियो लंबा बोरिंग हो जाता है तो इस वीडियो को इसी जगह से ख़त्म कर रहा हूँ और नए वीडियो में अगले वीडियो में मैं इन सारे प्रश्नों को आपको हल करने की ट्रिक बताऊंगा, और भी जो प्रश्न हैं जो आ सकते हैं उनको भी मैं आपको
बताऊंगा और सॉल्व करूंगा एक एक करके। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आती है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।